आप लोग श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की डायरी सुन रहे हैं। इससे पहले भी करीबन 20 ऑडियो आ चुके हैं, तो उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से सुन सकते हैं। तिब्बत में बंगाली बाबू ठाकुर की ये सब बातें सुनकर पूछा, सुना है तिब्बत देश में भी बहुत अच्छे अच्छे बौद्ध लामा योगी हैं, उन सब स्थानों पर हम जा नहीं सकते? ठाकुर ने कहा, पहले तो इस देश के साधु लोग वहां जा सकते थे, अब वहां जाने का कोई उपाय नहीं है। एक बंगाली बाबू के जाने के बाद से वहां पर बड़ी कठिनाई हुई थी, वहां कानून निकल गया, अब तिब्बत में अन्य किसी को घुसने का हुक्म नहीं है। पूछा, बंगाली के जाने से क्या अनिष्ट हुआ था? यहां पे किसी जाति के बारे में नहीं कहा जा रहा है, कृपया आप भटकिएगा नहीं। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी बस बता रहे हैं, उस समय उनको जैसे संबोधित किया जाता था तो वो संबोधित करके ही बता रहे हैं। ठाकुर ने कहा, कुछ दिनों पहले छंद वेश में एक बंगाली बाबू तिब्बत जाकर उस देश की भाषा सीखने लगे और गुप्त रूप से उस देश का नक्शा अंकित करने लगे। फिर अंत में पकड़े जाने पर वे अपने देश लौट नहीं पाएंगे, राजा का ऐसा आदेश हुआ। बंगाली बाबू ने राजा के पंडित की शरण ली एवं जिससे अपने देश लौट पाए ऐसी व्यवस्था कर देने के लिए उनसे प्रार्थना की। विपत्ति में पड़े शरणागत का परित्याग नहीं करना चाहिए, सोचकर पंडित जी ने उनको आश्रय दिया। फिर पंडित जी के कथनानुसार उन्होंने शपथ ली कि देश में जाकर वह भाषा वे अन्य किसी को नहीं सिखाएंगे और तिब्बत के रास्ते आदि की जानकारी भी किसी को नहीं देंगे। राज पंडित बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने उस बात पर विश्वास करके उस बंगाली बाबू को कंधे पर उठाकर गहन रात्रि के समय पहाड़ी रास्ते से लगभग 4-5 कोस चलकर एक निरापद स्थान पर पहुंचा दिया। बाबू ने कोलकाता आते ही सब प्रकट कर दिया एवं तिब्बती भाषा भी सिखाने लगे। इस बात का क्रमशः तिब्बत में प्रचार होने से वहां के राजा ने उस पंडित को भयानक दंड दिया। एक चमड़े के भीतर उनको भरकर चारों ओर से सिलाई करके नदी में डुबा दिया गया। एक लामा गुरु ने कुछ दिन पूर्व मुझे ये सब बातें बताई। उन्होंने यह भी कहा, राजा यदि हमारे जैसे 10,000 लोगों का सिर लेकर भी योगी श्रेष्ठ पंडित जी को छोड़ देते तो देश के सभी लोग उससे खुश होते। गुरु जी सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ थे, राजा भी उनका बड़ा सम्मान एवं पूजा करते थे, लेकिन इस प्रकार कठोर शासन नहीं होने से देश की रक्षा करना कठिन होगा। यह सोचकर उन्होंने देश के प्रधान व्यक्ति को इस प्रकार मृत्यु दंड दिया। वह लामा साधु बारंबार बेईमान बंगाली कहने लगा। फिर बंगाली लोगों के ऊपर तिब्बती लोगों को अब विश्वास नहीं रहा, वे सभी अब बेईमान बंगाली ही कहते हैं। माता ठकुरानी का योगेश्वर्य और आकांक्षा। श्री वृंदावन में आकर माता ठकुरानी के असाधारण कार्यों को देखकर आश्चर्य हो रहा है। ये सब घटनाएं किस प्रकार घट रही है कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। माता ठकुरानी ने आकर हम लोगों के आहार आदि का समस्त भार स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम इतने लोगों को जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह न बतलाने पर भी माता ठकुरानी स्वयं उसे समझकर जुगाड़ कर देती है। रुपया पैसा पहले जैसा आता था अब भी ठीक उसी प्रकार आ रहा है, फिर भी हम लोगों को किसी वस्तु का अभाव नहीं है। भंडार घर सर्वदा ही वस्तुओं से भरा रहता है। प्रतिदिन हम 9-10 लोग दोनों समय भोजन किया करते हैं। उसके अतिरिक्त कुंज में निमंत्रण आदि का कार्य भी 2-3 दिन के अंतर में चलता है। माता ठकुरानी एक छोटे पतीले में केवल एक बार चावल पकाती है, उस पात्र में एक सेर से अधिक चावल समाता नहीं। दाल तरकारी आदि 5-6 प्रकार के व्यंजन एक छोटी कढ़ाई में बना लिया करती है। पात्र छोटा होने पर भी एक ही वस्तु को दोबारा बनाना माता ठकुरानी का नियम नहीं है। कभी कभी जब हम 15-20 लोग भोजन के लिए पहुंच जाते हैं एवं अतिरिक्त लोगों का भोजन के लिए निमंत्रण होता है तब भी माता जी नियमित परिमाण से अधिक रसोई नहीं बनाती। रसोई हो जाने पर दाऊ जी को भोग लगाती है
भोग लग जाने के बाद सारा प्रसाद रसोई घर में रखा जाता है। रसोई घर में ही हम लोगों के भोजन करने का व्यवस्था होता है। आश्चर्य का विषय यह है कि केवल एक छोटे पतीले के प्रसाद एवं निर्दिष्ट परिमाण के व्यंजनादि द्वारा हम जितने भी लोग उपस्थित क्यों ना रहे, माता ठकुरानी अपने हाथ से परिवेषण करके सभी को तृप्तिपूर्वक भरपेट भोजन करा दिया करती है। सबका भोजन हो जाने पर माताजी एवं कुतु प्रसाद पाती है। अतिरिक्त भात एवं तरकारी आदि का जुगाड़ कहां से किस प्रकार होता है समझ में नहीं आता। यह आश्चर्यजनक घटना प्रतिदिन ही यहां होती है। दाल तरकारी आदि सभी व्यंजन का स्वाद भी एक नए प्रकार का देखता हूं। इस प्रकार का स्वादिष्ट व्यंजन जीवन में और कभी नहीं खाया हूं, ऐसा स्मरण में नहीं आता। कुतुबुड़ी भोग की रसोई के समय माता ठकुरानी की सहायता करती है। उस समय हम लोगों को उस ओर जाने का हुक्म नहीं है। रसोई का सारा जुगाड़ करके भात और 5-7 प्रकार के व्यंजन बना लेने में माता ठकुरानी को 2-3 घंटे से अधिक समय किसी दिन भी नहीं लगता। किस कौशल से माता ठकुरानी यह सब कार्य श्रृंखलाबद्ध रूप से जो पूर्ण किया करती है, विभिन्न प्रकार से जांच पड़ताल करके भी उसको कुछ समझ नहीं पाया। एक दिन मध्यान्ह में भोजन के बाद हरिवंश का पाठ करके माता ठकुरानी के कमरे में जाकर बैठ गया। माता ठकुरानी ने मुझसे कहा, कुलदा, लगता है शीघ्र ही तुम्हें गांव जाना होगा। गांव जाकर मां की अच्छे से सेवा करना। माता ठकुरानी की बात सुनकर मैं चौंक उठा, पूछा, मुझे गांव जाना होगा? क्या आप यह स्पष्ट देख कर कह रही हैं? माता ठकुरानी ने कहा, क्यों, गांव जाने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती? गांव जाने से तुम्हारा भला होगा। मैंने कहा, मां, आपके विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता। अपनी अवस्था की 2-1 घटना मुझे बताइए ना। आप कृपण के समान सब छिपाकर क्यों रखती है? माताजी ने कहा, तुमको एक बात कहती हूं, यदि धर्म जगत में बड़े व्यक्ति बनना चाहते हो, धनी होना चाहते हो, तो कृपण बनो। अपनी कोई भी अवस्था किसी को मत बतलाना, बतलाने से फिर वह रहती नहीं। मैंने पूछा, भविष्य की सब घटनाएं क्या आपके सामने प्रकट होती है? माता ठकुरानी ने कहा, होंगी क्यों नहीं, फिर सभी क्या प्रकट होती है? दूर की विशेष विशेष घटनाओं का पता चल जाता है और आने वाले 5-7 दिन की घटनाएं सदा ही प्रकाशित रहती है। मैंने पूछा, साधना के समय आपको दर्शनादि नहीं होते? कभी समाधि होती है? माता ठकुरानी ने कहा, साधन भजन करती कहां हूं, दिन का समय तो सेवा के कामकाज में बीत जाता है। मध्यान्ह में समय मिलने पर थोड़ा विश्राम करती हूं, संध्या का समय भी ठाकुर दर्शन में ही निकल जाता है। केवल रात्रि में बैठती हूं, तब दर्शन भी होता है। कभी कभी इच्छा होती है समाधि लेकर पड़ी रहूं, फिर वह इच्छा होती नहीं। समाधि की अपेक्षा इस प्रकार से सेवा का कार्य करके दिन बिता देना ही अच्छा है। इस प्रकार कई बातें कहने के बाद माता जी ने मुझसे अपने आप ही कहा, भविष्य में किसकी क्या दशा होगी वह तो इस समय कहा नहीं जा सकता, इसलिए तुमको कुछ बातें कह रही हूं, ध्यान रखना। मां के लिए मुझे बड़ा कष्ट होता है, मां बड़ी दुखी है, वे सदैव मेरे ही भरोसे रही है, कितना कष्ट पाई है, एक दिन के लिए भी वे सुखी नहीं हो सकी। भविष्य में मां के भाग्य में क्या है कह नहीं सकते। मां को देखना वृद्धावस्था में किसी के लिए भार स्वरूप ना हो। मां यदि किसी तीर्थ में जाकर रहना चाहे तो 4-5 रुपए मासी की व्यवस्था कर देना और उनको खूब शांत बना देना। मैंने कहा, नानी जी के लिए आप चिंता ना करें, किसी समय भी उन्हें कष्ट नहीं होगा। अंततः भिक्षा करके मैं नानी जी का अभाव दूर करूंगा। माता ठकुरानी ने फिर कहा, तुम्हें और एक काम करना होगा। शांति सुधा गर्भवती है, मैं उसको छोड़कर आ गई हूं, मां के साथ उसका वैसा प्रेम भाव नहीं है, शांति का दिमाग भी स्वस्थ नहीं है। गर्भावस्था में यदि सदा मानसिक कष्ट पाए तो गर्भस्थ संतान का अनिष्ट होगा। तुम शांति को मेरी ओर से एक पत्र लिख दो,
मेरा जो कुछ है सभी शांति का है। गिंडार या आश्रम शांति का ही है, जिससे शांति वहीं पर निश्चिंत होकर रहे। माता ठकुरानी के आदेशानुसार उनके नाम से मैंने तुरंत श्रीमती शांति सुधा को पत्र लिखा। उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। माता ठकुरानी की ये सब बातें सुनकर मुझे नाना प्रकार की दुश्चिंता होने लगी। ठाकुर ने कहा था कि माता जी को अब गिंडारिया नहीं लौटाया जा सकता। उस बात का भी मुझे इस समय स्मरण हुआ। सोचा, यदि माता ठकुरानी शीघ्र ही देह त्याग करेंगी तो मैं उनकी कोई सेवा कर ही नहीं पाया। मैंने माता जी से पूछा, माँ, आपकी बातें सुनकर मुझे नाना प्रकार की आशंका होती है। आपके मन में किसी प्रकार की कुछ आकांक्षा है या नहीं, जानने की इच्छा है। माता जी ने कहा, कुतु का विवाह हिंदू समाज में हो और योग जीवन समाज में सम्मिलित हो, मेरी यही दो आकांक्षाएं हैं। फिर गोस्वामी जी महाराज महाभारत पढ़ना चाह रहे थे, उनको एक महाभारत देने की इच्छा होती है। कुतु बच्ची है, ब्रजमाइयों के समान उसके पैरों में एक जोड़ा पायल देने से अच्छा होता। मेरी और कोई वासना नहीं है। माता ठकुरानी कुतु के विवाह के लिए थोड़ा व्याकुल है, उनकी बातों से लगता है। उन्होंने इस संबंध में मुझसे और भी कई बातें कही। स्वप्न में भूत का उपद्रव। 7 अगस्त, दिन गुरुवार। आज अवसर पाकर रात के समय एक भयानक स्वप्न का वृतांत ठाकुर से बतलाया। रात्रि में लगभग 2:30 बजे देखा, मैं आसन पर बैठकर नाम जप कर रहा हूं। अचानक एक विशाल आकृति वाला भूत आकर मेरे सामने उपस्थित हुआ। विभिन्न प्रकार से डराकर मुझे साधना से विरक्त करने का प्रयास करने लगा। मैं डर के कारण बीच बीच में कांपने लगा, लेकिन नाम जप छोड़ते ही विपत्ति में फंसना पड़ेगा सोचकर बड़ी दृढ़ता के साथ नाम जप करने लगा। तब वह भूत एक विशाल खड़ग हाथ में लेकर मुझे काट डालने का भय दिखाने लगा एवं बोला, वह नाम लेगा, वह साधना करेगा तो तेरे को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, शीघ्र उस साधना को छोड़ दे। मैं भूत का वह विशाल आकार और भयंकर आक्रोश देखकर बहुत घबरा गया। तब अचानक मुझे स्मरण हुआ, गुरुदेव ने कहा है, स्थिर भाव से साधना करने, नाम जप करने से फिर कोई थोड़ा भी प्रहार नहीं कर सकता। यह बात स्मरण होते ही भूत की ओर दृष्टि रखकर मैं नाम जप करने लगा। तब भूत मेरी ओर बढ़ न सका। नाम जपना छोड़, नाम जपना छोड़ कहकर चीखने लगा, फिर छटपटाते हुए एकदम से भागकर अदृश्य हो गया। मैं भी नाम जप करते करते जाग उठा। स्वप्न का विवरण सुनकर ठाकुर ने कहा, ये क्या, यह तो कुछ भी नहीं है। जिस पथ पर चले हो, कितने बाघ, सांप, कितने भूत प्रेत, कितने देवी देवता आकर बाधा देंगे, सभी साधना छुड़ाने की चेष्टा करेंगे। बहुत सावधान रहना, कभी किसी प्रकार भी नाम जप छोड़ना नहीं। नाम जप करने से ही वे सब उत्पात दूर होंगे, नाम जप छोड़ने के लिए अनेक लोग कहेंगे। प्रकृति का रोग, कर्म ही धर्म है। मैंने पूछा, हरिवंश पाठ शेष हो जाने के बाद अब और कौन कौन सा ग्रंथ पढ़ूंगा? ठाकुर ने कहा, महाभारत आरंभ से अंत तक अच्छे से पढ़ो। उद्योग पर्व, शांति पर्व एवं अश्वमेध पर्व को बड़े ध्यान से पढ़ना। भागवत का 11वां और 12वां स्कंध एवं 3रा स्कंध पढ़ो। ये सब पढ़ने के बाद रामायण और योग वशिष्ठ पढ़ सकते हो। अन्य कोई पुराण आदि का पाठ अभी मत करना, इन कुछ ग्रंथों को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। मैंने कहा, जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी ऐसी श्रेष्ठ अवस्था में आपने मुझे रखा है। काम क्रोधादि के नाम की गंध भी मेरे भीतर है, पता नहीं चलता। परंतु आपका साथ छूटने पर कितने प्रकार की परीक्षा प्रलोभन में पड़ सकता हूं, तब मेरे ब्रह्मचर्य की किस प्रकार रक्षा होगी गुरुदेव? ठाकुर ने कहा, परीक्षा प्रलोभन में भले ही पढ़ो, उसके लिए तुम्हें चिंता क्यों है? जहां भी रहो
ब्रह्मचर्य के नियम का प्रतिपालन करके चलने का प्रयास करो। मैंने ब्रह्मचर्य पे 2 वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे अवश्य देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। उससे ही सब ठीक होने लगेगा। काम क्रोध ये सब तो मनुष्य की प्रकृति नहीं है, ये सब मनुष्य की प्रकृति का रोग है। रोग होने से जिस प्रकार औषधि का सेवन आवश्यक है, उसी प्रकार इन सब उत्पातों के प्रतिकार के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। शरीर के रस से ही ये सब नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है, इसलिए शरीर के रस को घटा लेना चाहिए। रस को कम करने के लिए आहार के संबंध में बहुत सावधान रहना पड़ता है। इन सब विषयों में जितना हो सकता है प्रयास करो, क्रमशः सब ठीक होने लगेगा। इसके बाद ठाकुर से धर्म कर्म, पाप पुण्य एवं वैराग्य के संबंध में पूछा। उसके उत्तर में ठाकुर ने संक्षेप में कहा, जो सब कर्म धर्म प्राप्ति के अनुकूल हैं, उसे ही करना चाहिए। धर्म के प्रतिकूल कर्म ही पाप है। मनुष्य चाहे तो 2 दिन की साधना से ही हो सकता है पाप को दूर कर भी ले। मनुष्य में पाप छोड़ने की क्षमता है, किंतु कर्म छोड़ने की क्षमता नहीं है। कर्म करके ही कर्म क्षय करना पड़ता है। कर्म किए बिना किसी का भी उद्धार नहीं होता। कर्म धर्म के बाहर का विषय नहीं है, कर्म ही धर्म है। धर्म कर्म की अतीत अवस्था बहुत दूर की बात है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि काम का छोड़ दिया, भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह कर लिया। सभी विषयों से इन सब इंद्रियों का संपूर्ण रूप से निवृत्त होना ही कर्म के बिना वैराग्य नहीं होता। तुम लोग निश्चित रूप से जान लो, जितना ही क्यों ना करो, कर्म जिसका जितना है, आज हो, कल हो, चाहे 2 दिन बाद हो, 1 दिन करना ही होगा। उसको किए बिना किसी प्रकार से छुटकारा नहीं मिलेगा। एकमात्र भगवान की कृपा से ही क्षण भर के भीतर सब समाप्त हो सकता है, अन्यथा बलपूर्वक कर्म त्यागने का सामर्थ्य किसका है। मात्र सेवा एवं भ्रातृ सेवा का आदेश। ठाकुर की बातें सुनकर मैं भयभीत हो गया। कितने कर्म का बोझ मेरे भाग्य में है, कुछ भी तो नहीं जानता। शीघ्र ही उन सबको दूर किए बिना किसी भी प्रकार से स्थिर नहीं हो पाऊंगा। निश्चिंत होकर साधन भजन, भगवान का नाम कुछ कर नहीं पाऊंगा। गुरुदेव तो मेरा सब कुछ जानते ही हैं, मेरा क्या क्या कर्म है उनसे स्पष्ट रूप से पूछकर उसे समाप्त कर डालूंगा। ऐसा मन में सोचकर मैंने ठाकुर से कहा, मेरा जो कर्म है मैं तो वह जानता नहीं, आप मुझे स्पष्ट रूप से बता दीजिए, मैं बड़े उत्साह के साथ वही करूंगा। सतीश को मात्र सेवा करने के लिए प्रतिदिन तो कहते हैं, स्वामी जी को भी कर्म करने हेतु कितना कहते हैं, लेकिन उन लोगों की वैसी मति नहीं होती। इस प्रकार की दुर्मति बाद में मेरी भी तो हो सकती है, इसलिए आप स्पष्ट रूप से बता दीजिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। ठाकुर ने कहा, तुम्हारा कर्म मात्र सेवा ही है, उसे कर लेने से सब ठीक हो जाएगा। नियम के अनुसार ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए अभी जाकर मां की सेवा करो, उससे ही सब ठीक होगा। कुछ समय मां की सेवा करने से ही समझ पाओगे कि उससे कितना उपकार होता है। तुम्हें नौकरी करके अर्थोपार्जन की चेष्टा या गृहस्थी नहीं करनी होगी। माता की सेवा कर लोगे, उससे ही तुम्हारा सब कर्म कट जाएगा। मैंने कहा, मेरी सेवा से मां संतुष्ट होकर यदि मुझे धर्म प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देकर छोड़ देती है, तब फिर आपके साथ रह पाऊंगा तो? ठाकुर ने कहा, सेवा से संतुष्ट होकर मां तुम्हें छोड़ देती है तो उनकी अनुमति लेकर सहज में हमारे साथ रहना, वह सब हो जाएगा। अभी जाकर खूब भक्ति के साथ मां की सेवा करो। ठीक इसी समय 10 रुपए के एक मनी ऑर्डर पर मेरे हस्ताक्षर करवाने के लिए पोस्टमैन मुझे पुकारने लगा। हस्ताक्षर करके मैंने 10 रुपए ले लिए। देखा, फैजाबाद से बड़े भैया ने ये रुपए भेजे हैं। अचानक वे इस समय मुझे रुपए क्यों भेजे समझ में नहीं आया। ठाकुर से यह बात कहते ही उन्होंने कहा, अभी तुम यहां से अपने भैया के पास चले जाओ, कुछ दिन वहां उनकी सेवा करो, संतुष्ट होकर वे अनुमति दे तो घर जाकर मां की सेवा करना। सेवा द्वारा सब गुरुजनों को संतुष्ट करके उनकी अनुमति और आशीर्वाद लेकर फिर धर्म के पथ पर चलना चाहिए। ऐसा होने से सहज में इस पथ पर चल सकते हैं।
गुरुजन और आत्मीय जन में यदि एक व्यक्ति भी विरोधी हो तो धर्म पथ में अनेक विघ्न आते हैं। इन सब बातों के बाद ठाकुर ने मुझे कागाल फकीर के ब्रह्मांड वेद का पाठ करने के लिए कहा। ठाकुर की दीक्षा और हम लोगों की साधना में शक्ति संचार का प्रसंग इस पत्रिका के विभिन्न स्थानों पर कांगाल ने कुछ कुछ लिखा है। ठाकुर के कहने पर मैं उसे पढ़कर सुनाने लगा। यहाँ पे श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने महाभारत पढ़ने को कहा है, रामायण पढ़ने को कहा है और योग वशिष्ठ पढ़ने को कहा है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले महाभारत बनाने की कोशिश की थी लेकिन शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए फिर मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया। अगर आप संपूर्ण रामायण, वो जो बड़ा वाला पार्ट है ना जिसमें पूरा डिटेल में सब कुछ दिया गया है, अगर वो सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो उसकी भी मैं एक सीरीज बनाऊंगा। और श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की डायरी आगे भी जारी रहेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिया है, उसे आप अवश्य देखिएगा। और श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी का भी जीवनी मैंने बनाया है, वो करीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा का है। तो अगर उसे आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे भी अवश्य सुन लीजिएगा। धन्यवाद।